मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं कौशलमार्टी.com के समय न्यूज। खबरों की श्रृंखला में आइए देखते हैं उड़ीसा की बड़ी खबरें। शहर की सड़कों पर घूमते बेसहारा पशु या तो कूड़ा कचरा खाते हैं या फिर लोगों के घरों से निकली जूठन के सहारे होते हैं। इन पशुओं का कोई ठिकाना न होने के कारण भूखा प्यासा भी रहना पड़ता है। कई बार वाहनों की चपेट में आकर या आपस में लड़ झगड़ कर चोटिल भी हो जाते हैं। बेसहारा होने के नाते इनका उपचार भी नहीं हो पाता, बेजुबान होने के नाते अपनी परेशानी किसी को साझा भी नहीं कर पाते हैं और तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। ऐसे बेसहारा पशुओं के दर्द को ब्रजराजनगर के दो समाज सेवियों ने न केवल समझा बल्कि अपनी योगदान से कुछ हद तक राहत भी पहुंचा रहे हैं। एक पशुओं के उपचार व उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है तो दूसरा पशु चारे सहित उनके पीने की पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। आपको बता दें कि उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले के ब्रजराजनगर निवासी प्रदीप भट्टाचार्य जी और पवन शर्मा जी, जो कि एनिमल केयर जीव संस्था नाम की एक निशुल्क सेवा संस्था चलाते हैं, जिनके पास कहीं से कोई फोन भर कर दे कि फलां स्थान पर पशु घायल अवस्था में पड़ा है, दर्द से कराह रहा है, उसे उपचार की जरूरत है। प्रदीप भट्टाचार्य जी और पवन शर्मा मरहम पट्टी और दवा लेकर तत्काल वहां पहुंच जाते हैं और पशुओं को समुचित उपचार देते हैं। साथ ही साथ किसी स्थानीय निवासी को दवा उपलब्ध कराकर उसके देख रेख करने को कहते हैं। यह क्रम पिछले 6-7 वर्षों से निरंतर जारी है। प्रदीप भट्टाचार्य जी और पवन शर्मा अभी तक हजारों घायल गोवंशों का उपचार कर चुके हैं। इसके अलावा सांप, बिल्ली, कुत्ता, बानर, हाथी आदि की भी जान बचा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, K7 न्यूज, ब्रजराजनगर, उड़ीसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। www.kaushalmati.com